हरिचंद्र राजा जो थे स्वप्न में राजपाट धन दौलत विश्वामित्र के दे दिए। सुबह हुए तो एक लोटा पानी मुंह हाथ धोने के लिए मंगाए तो विश्वामित्र बोले कि ये सब तो हमारा है। तो हरिचंद्र राजा बोले कैसे आपका है? अगर स्वप्न में राजपाट धन दौलत जो कुछ भी था आपका सब हमको दान में दे दिए, और जब तक से इतना बड़ा दान दिए हैं जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक अन्न जल नहीं करोगे। तो विश्वामित्र हरिचंद्र राजा बोले कि हम सब तो आपको दान में दे दिए, हमारे पास बचा क्या है कि जो कि हम संकल्प करें। तो बोले अपाने आपको बिकी, अपाने आपको बिकी, आपको धन की जरूरत है। हाँ तो पहले रानी के बेचे पंडित को हाथ, बेटे के बेचे माली को हाथ, फिर भी धन नहीं प्राप्त हुआ तो फिर बोले हरिचंद्र राजा कि आप कोई उपाय बताइए। फिर तो कहे नौ खंड पृथ्वी है, दसवा खंड काशी है, सबसे बड़ा पाप नाशी ये शंकर भगवान के त्रिशूल का काशी खड़ा है। अब काशी में जाएंगे तो आपको खरीदने वाला मिलेगा, क्योंकि अयोध्या का राजा हो यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, सभी राजाओं को सम्राट थे हरिचंद्र राजा। काशी में आए, बड़े बड़े राजा थे, उनका नाम सुन के कोई खरीदने के राजी नहीं हुआ। अच्छा, थक गए पूछते पूछते, ये हरिचंद्र घाट पे आए तो कलुआ भंगी था, तो उसने खा पी के मस्त होकर सोया था। उसको जो है तो पैर के लग गए, हरिचंद्र राजा बैठ गए कि कब उठे थे इनसे पूछे। वो जब उठे कलुआ भंगी तो उससे पूछे कि हमको खरीदोगे? तो बोला क्यों नहीं खरीदेंगे, अपना कीमत बताओ। तो 500 सरकी में यहाँ बिके, 500 सरकी, हाँ 500 सरकी में बिके। बिकने के बाद फिर विश्वामित्र प्रकट हो गए कि आपको पास धन हो गया, इसी घाट पर हमारा संकल्प है, इसी घाट पर संकल्प किया। विश्वामित्र चले गए तो हरिचंद्र राजा कलुआ भंगी से बोला कि आप तो हमको खरीद लिए, हमको कोई नौकरी दीजिए करने के लिए। तो हरिचंद्र कलुआ भंगी बोला कि ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ करोगे, डेड बॉडी जलाना है, बगैर कर का किसी को आग नहीं देना। तो बोले हम करेंगे। हरिचंद्र राजा डेड बॉडी जलाने लगे, कर लेने लगे, ऐसे करते करते जो कुछ मुद्दत बीता तो विश्वामित्र बोले कि हरिचंद्र राजा का तपस्या फल नहीं हो रहा, कैसे होगा? उनका बेटा गया फूल तोड़ने के लिए बगीचे में, तो उसके ये सांप बनकर उसको काट दिया। रोहित राजकुमार मर गया, तब रानी तारामती को मालूम हुआ कि हमारा बेटा मर गया, अब उसका अंतिम संस्कार करें। तो सोचे हमारे पास तो कुछ है नहीं, चले हरिचंद घाट पे, हमारे स्वामी हैं हरिचंद महाराज, उसी जगह अंतिम संस्कार बच्चे कर देंगे काशी में। यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए तो हरिचंद राजा से बोले हमको आपको अंतिम संस्कार करना है। तो बोले हमको कर दो तो मैं याद दूँगा। बोले कि ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मैं क्या दूंगा आपको, ये आपका बेटा है, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो हरिचंद्र राजा बोले कि ये मैं यहाँ का नौकर हूँ, हमारे मालिक का आर्डर है कि जब तक से किस ये पैसा नहीं लेंगे तब तक से आग नहीं देना, लेकर तभी आग देना है। जो साड़ी पहनी थी उसी आंचल का पल्लू सवा गज फाड़े, फाड़ने के बाद उसमें से दो टुकड़ा दिए, एक टुकड़ा जो है तो कफन बनाए बच्चे का रोहित राजकुमार का, एक टुकड़ा हरिचंद्र राजा को दिए कर के रूप में। तो हरिचंद्र राजा भी लेकर उसको आग दिए। आग देने के बाद जब इसी जगह डेड बॉडी में लगाने चले, इसी जगह ब्रह्मा विष्णु मैं सभी देवताओं पर बोले हे सत्यवादी हरिचंद, मांगी क्या मांग रहे हैं आपसे, बहुत पसंद है। तो भगवान जो बोले भगवान आपका दर्शन हो गया और हमको क्या चाहिए? तो भगवान बोले अपना राजपाट धन दौलत सब कुछ ले लो, आपको तपस्या सफल हुआ, आपको परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान से फिर बोले हरिचंद्र राजा कि भगवान आपका दर्शन हो गया, अब इससे बढ़ के क्या जिन्नत किलो का भगवान प्रकट हुए, इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, आप जो इच्छा हो मांगिए, आपसे अति पसंद हो। तो भगवान जब बोले हरिचंद राजा कि भगवान जो मांगेंगे देंगे? तो भगवान बोले कि हम देंगे। कह
है, हमको केवल तीन वचन चाहिए। तो बोले ठीक है, तीन वचन हमने आपको क्या मांगे हैं। तो बोले पहला वचन मांगिए। पहला वचन ये मांग रहे कि जैसा हमसे आप परीक्षा लिए भगवान, ऐसा अगर इस पृथ्वी पर कभी किसी से मत लीजिएगा, हर कोई हरिचंद राजा नहीं बनेगा। दूसरा वचन ये कि हमारा बेटा रोहित राजकुमार मर गया है, उसको आप जीवित करिए। तो बुलाइए, बुलाए उठकर बैठ गए। तीसरा वचन विष्णु जी बोले, तीसरा वचन मांगो। तीसरा वचन ये मांगे भगवान, सभी ये मरघट है, सभी लोग यहाँ मर कर आते हैं, जला कर स्वर्ग गिर जाते हैं। भगवान को घबरावे कि जिंदा तो कोई नहीं गया, आप कैसे जाओगे। अच्छा, भगवान तो बोले दो वचन हो गया भगवान, ये तीसरा वचन है, ये तो आप जानेंगे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भगवान लगे हंसने, तो जो गोल चौथरा देखे आदमी खड़ा है, गोल का कर रहा है छोटा चौथरा, उसी जगह भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु। हाँ, वो चंद्र पाती का उस पर डेड बॉडी जलाने का डोम राजा लोग पैसा जाए, तो भगवान का रथ आया उसी जगह। रथ आया तो हरिचंद ये ब्रह्मा विष्णु में सभी लोग का बैठ गए, हरिचंद राजा रोहित राजकुमार खाने का, तो सभी लोग बैठ के जाने लगे। बलुआ भंगी बोला, बलुआ दो कि भगवान हमको कहाँ छोड़े जा रहा, हम भी चलेंगे। जब वो उड़ के जाने लगा वो भी रथ का पहिया पकड़ लिया। अच्छा, थोड़ा और थोड़ा सीधा इधर ले लीजिए ना, थोड़ा वो भी याद अच्छा है। नमस्कार करो सभी लोग भाई, भाई हाथ जोड़ ला, सब एक साथ 100 रुपये दे दो। जो मांगे थे सच्चे दिल से, हरिचंद महाराज के नाम ये दानी राजा है। नहीं चलिए चलिए, नहीं चलिए चलिए,